षष्ठ कारिका में हम कल जहाँ रुके थे, कल तृतीय कारिका से लेके विषय में प्रवेश हुआ था। तृतीय कारिका में मूल प्रकृति अविकृति महदाद्या प्रकृति विकृतय सप्त, इस प्रकार से सारे पदार्थों का संग्रह किया। उसके बाद प्रमाण, क्या क्या प्रमाण के द्वारा प्रमेय सिद्ध होगा, तो प्रमेय कहने के बाद प्रमाण क्या है कहा। तो प्रमाण यहाँ क्या है, दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम, ये सांख्य और योग दोनों में है। प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि, ये योग सूत्र में आया है। तो ये तीनों प्रमाण हैं। तीनों प्रमाण का क्या विषय है, ये षष्ठ कारिका में पंचवा कार्य में कहा था। प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तल्लिंगलिंगी पूर्वकम आप्तश्रुति राप्तवचनम च। इससे इसमें तीन प्रकार का अनुमान बताया, पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम। तो पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम, ये तीन प्रकार के अनुमान में जो सामान्यतो दृष्ट अनुमान है, यानी एक जगह देखा और उससे अन्य का अनुमान किया। तो जैसे पुष्पित वृक्ष को, आम के वृक्ष को देखा और उसके द्वारा सभी वृक्ष, आम के वृक्ष इस समय पुष्पित हो गए हैं, ऐसा अनुमान हो गया। तो सामान्य से एक जगह दृष्ट से अन्य का ग्रहण किया। इसी सामान्य दृष्ट अनुमान से ही अदीन्द्रियों का अनुमान होता है, ये षष्ठ कारिका में कहा। ये सामान्य दृष्ट प्रत्यक्ष दृष्ट है, तो प्रत्यक्ष दृष्ट इस अनुमान के द्वारा अतीन्द्रियाणाम प्रतीतिर अनुमाना, अतीन्द्रिय विषयों का अनुमान होगा। इसका मतलब ये जितने पदार्थ बताए हैं उनमें जो अतीन्द्रिय है, इंद्रिय वेद्य नहीं है, क्योंकि केवल इंद्रिय वेद्य हमको शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही इंद्रिय वेद्य है। उसके पीछे जो कारण है वो कोई इंद्रिय वेद्य नहीं है। तन्मात्राएं योगियों का इंद्रिय वेद्य है, योगियों के लिए तन्मात्राएं प्रत्यक्ष होते हैं, किंतु हमारे लिए तन्मात्रा प्रत्यक्ष नहीं है। और उसके पीछे जो कारण अहंकार, वो भी इंद्रिय वेद्य नहीं है। और महत्तत्व भी इंद्रिय वेद्य नहीं है, प्रकृति भी इंद्रिय वेद्य नहीं है। तो ये सारे अतीन्द्रिय है, पुरुष भी अतीन्द्रिय है। तो बोलते इनका जो ज्ञान है ये अनुमान से होंगे, कि जो कार्य में त्रैगुण्य दिखाई पड़ता है उसके द्वारा कारण में त्रैगुण्य का अनुमान करेंगे। तो कार्य हमारे पास विषय है शब्द स्पर्श आदि, उसमें त्रैगुण्य देखा गया है, उससे कारण में अनुमान करें। ये त्रिगुण की व्याख्या आगे आएगी, त्रिगुण क्या है ये बताएंगे, तो वहीं उसको समझेंगे।
और फिर कहा कि ये जो अनुमान से सब कुछ ज्ञात होता है ऐसा नहीं, तस्माद अभी असिद्धम परोक्षम आप्तागमाद सिद्धम। उस अनुमान से भी या अनुमान के साथ प्रत्यक्ष भी ले लेना, प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से जो असिद्ध होता है वो अत्यंत परोक्ष जो वस्तु है वो आगम से सिद्ध होता है। तो अत्यंत परोक्ष कहने से यहाँ कभी भी इंद्रिय वेद्य नहीं होता है हमारे, ऐसे अत्यंत परोक्ष जैसे देवराज इंद्र है, स्वर्गलोक है, ये जो श्रुति से सुनाई पड़ता है ये सब अत्यंत परोक्ष है, ये आप्तवाक्य से ही मालूम होगा। और प्रत्यक्ष विषय में भी कभी कभी आप्तवाक्य काम करता है, जिसको प्रत्यक्ष कर सकते हैं, इस समय आपका प्रत्यक्ष में नहीं आता है तो भी आप्तवाक्य के द्वारा जान पड़ता है, इसलिए आप्तवाक्य पर विश्वास करना है। तो ये प्रमाणों का विषय भेद षष्ठ कारिका में बताया। अब सप्तम कारिका से ये कहना चाहते हैं कि आप कहेंगे कि जो पदार्थ आपने गिनाए हैं ये पदार्थ का यदि अस्तित्व तो है तो हमें वो दिखाई क्यों नहीं पड़ता, उसका ज्ञान हमको प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता। तो जितने विज्ञानवादी है, जितने साइंटिस्ट है, ये सारे इसी विचार पर चलते हैं कि कोई वस्तु होगी तो वस्तु दिखाई पड़ना चाहिए, किसी माध्यम से हमको दिखाई पड़ना चाहिए, दिखाई नहीं पड़े तो वस्तु को वो नहीं मानते। तो अधीन्द्रिय वस्तु है ऐसा मानकर हम क्यों जिए, एक काल्पनिक जीवन हो जाएगी। वस्तु अधीन्द्रिय है, वो कभी हमको सामने नहीं आती है और फिर उसको मानना है, फिर उसके अनुसार जीवन चलाना है, ये तो बिल्कुल व्यर्थ है। तो कहते हैं देखो, इसमें बहुत कुछ कारण होते हैं। वस्तु होती हुई भी, आपके सामने रहती हुई भी, आपको अनुभव नहीं होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, उसका कारण होता है। तो किन कारणों से वो वस्तु अनुभव वेद्य नहीं आता है? मतलब विद्यमान वस्तु के विषय में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की अप्रवृत्ति क्यों होती है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण वहाँ क्यों काम नहीं करती है, वहाँ आगम को क्यों लेना पड़ता है अथवा अनुमान के विशेष को क्यों लेना पड़ता है, और योग साधना के द्वारा आप मन को विशेष स्थिति में समाधि प्रज्ञा में ले जाके क्यों उसको प्राप्त करना है, उसकी कठिनाई इतनी कठिन साधन क्यों करना है, तो ये सब कारण बताना चाहते हैं। तो इसलिए सारे कारणों को सम्मिलित करके एक श्लोक बनाया। ये श्लोक में और आगे श्लोक में ये पुरुष प्रकृति आदि जो सामने नहीं दिखते हैं और प्रत्यक्ष अनुभव में सामान्य में नहीं आता है, उसका निश्चय इसी से हो जाएगा। आदि दूरात सामिप्याद इंद्रिय घादान मनो नवस्थानाच्च अधिदूरात् सामिप्यादिन्द्रियघादान् मनोनवस्थानाच्च सौक्ष्म्याव्यवधानात् अभिभवा समानाभिहारात् सौक्ष्म्याद्व्यवधानाद् अभिभवात् समानाभिहारात्। देखिए आठ कारण बताए हैं, इससे ये कहते हैं ये जितने कारण बताए हैं ये प्रत्यक्ष नहीं होने के लिए कारण है,
मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण में ये दोष रह सकते हैं, ये दोष के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण सार्थक नहीं होता है। पहला कारण है आदि दूरात, ये तो हम जानते ही, वस्तु है किंतु हमारे इंद्रिय के वेद्य में नहीं है, इंद्रिय गोचर में नहीं है, अति दूर में है। तो आदि दूर रहने वाली वस्तु होती हुई भी आपके इंद्रिय वेद्य नहीं होते हैं, तो आदि दूर एक कारण हो गया, प्रत्यक्ष में यह दोष है। दूर कहते हैं, दूर का लक्षण दिया बहुतरा मूर्त संयोगित्वम दूरत्वम, बहुतरा मूर्त द्रव्य संयोग, ये देश संबंध से दूरी को दिखाते हैं। दूरी हमेशा आपेक्षिक होता है, दो वस्तुओं के बीच में आप दूरी दिखा सकते हैं, दूरी दिखाने के लिए दोनों वस्तु का ज्ञान हो जाना चाहिए कि अभी उस तरफ से इधर तक का आप दिखाना चाहते हैं, उस दीवार से ये दीवार का दिखाना चाहते हैं, तो ये दोनों दीवार आपके सामने होना चाहिए, दो वस्तु का निश्चय रहे और इसके बीच का जो संबंध है वस्तुओं का संबंध करके बहुतरा मूर्त संयोगित्वम दूरत्वम ये लक्षण करते हैं। तो ये दूर है ऐसा अति दूर, अतिगत दूर, सामान्य से हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष वस्तु वहां है, हमारे दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, तो सरल सी बात है। और इसी के सीधे विपरीत अत्यंत सामिप्याद, सामिप्याद मतलब बहुत निकट है, तो बहुत निकट है तो उसका ज्ञान नहीं होता। तो जैसे आंख जो है बाहर के विषयों को देख सकती है, किंतु आंख जो है अपने अत्यंत निकट जो पलंग है, पलंग मारते उसको नहीं देख सकते, उस बाल को नहीं देख सकते, तो उसको उसको दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि वो अत्यंत निकट हो गया। आंख को देखने के लिए कुछ दूरी की आवश्यकता है, निश्चित दूरी में जो वस्तु है उसी को ही आंख देख सकती है। तो इसीलिए अत्यंत निकट से जिस वस्तु का अनुभव हो आपको वो प्राप्त होता है, आप उधर स्थित वस्तु अपने अंदर ही है, पास में ही है, किंतु दिखाई नहीं पड़ता। तो ये आत्मा भी ऐसे है, हाँ? वेदांत में कहते हैं ना, ओ तद्दूरे तद्वंतिके च तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, वो अत्यंत दूर में भी है और अत्यंत निकट में भी है। तो अत्यंत निकट होने से भी उसका ज्ञान नहीं होता है क्योंकि वो हमको प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो गया, तो अत्यंत निकट में स्थित है तो क्या करें, फिर उसका उसकी प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए ये भी प्रत्यक्ष में बाधक है, अति सामिप्य हो जाना, तो आपका कोई इंद्रिय उसमें काम नहीं कर सकती है, दो विशेष करके ये दर्शन आदि इंद्रिय। अच्छा, और तीसरा कारण है इंद्रिय घादाद, इंद्रिय में कोई दोष आ गया, यह भी हम जानते हैं कि हमारे इंद्रिय में कोई खराबी आ गई, कोई दोष आ गया, तो अंधा व्यक्ति जैसा वस्तु को नहीं देखता, तो इसलिए वस्तु का दर्शन नहीं होता ये कहना बनता नहीं है। तो हमको ज्ञान नहीं होता है इसलिए वो वस्तु है ही नहीं, क्योंकि इस प्रकार किसी वस्तु को जानने के लिए उसके संबंध में विशेष जानकारी की आवश्यकता होती है, वो जब होता है तभी उस वस्तु को हम जान पाते हैं। इसलिए इंद्रिय घातात, इंद्रिय में कोई दोष आ गया तो नहीं हो सकता। अब कई चीज हम मन से नहीं जान सकते, वो मन में दोष रहने के कारण होता है। ये योग में सांख्य में ये प्रक्रिया उन्होंने अपनाए हैं कि उन्होंने ये कहा कि बुद्धि और मन का, हर एक बुद्धि और मन को, ये मन में बुद्धि में ये सामर्थ्य है कि वो सभी विषय को जान सकता है, ऐसा सामर्थ्य जन्म से ही उसको प्राप्त है, किंतु वो क्यों नहीं जान सकता है तो उसका कारण होता है, इसमें कुछ दोष होते हैं, कोई दोष के कारण वो नहीं जान पाता। वो दोष को पहचानने के बाद उसका निवारण करें तो उसी इंद्रिय से आप उस वस्तु को जान पाएंगे।
ये उन्होंने निश्चय किया। इससे वो योग में ध्यान धारणा आदि जो लगाते हैं वो लगा करके मन को ऐसे ही तेज करते हैं। इसी प्रकार एक एक इंद्रिय में वो विशेष शक्ति को लाते हैं। विशेष शक्ति को लाने से वो इंद्रिय दूर में रहने वाली वस्तु को भी स्पष्ट रूप से जान पाती है। तो इसलिए प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, एक सूत्र उनके योग सूत्र में है। तो प्रवृत्ति आलोकात ये ज्योतिष्मदि एक सूत्र है, तो उसमें ज्योतिष्मदि कहते हैं तेजस्वी मन को। तो जो मन में जो प्रकाश है उस पर ध्यान करने से उसमें विशेष शक्ति आदान हो जाता है और उससे सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट सूक्ष्म आदि सूक्ष्म वस्तु को भी जान पाता है। और व्यवहित कोई अंदराल में रहा हुआ पीछे का कोई वस्तु है उसी को भी जान पाता है, और विप्रकृष्ट बहुत दूर की वस्तु को भी जान पाता है। इसीलिए ये जो जितने हेतु बता रहे हैं योगी प्रत्यक्ष के लिए ये कोई बाधक नहीं होता है, क्योंकि योगी प्रत्यक्ष इससे अधीत होते हैं, उनके इंद्रिय विशेष स्थिति में पहुंचते हैं ऐसे ध्यान के द्वारा। इसीलिए उनका प्रत्यक्ष वो स्पष्ट होता है, इन बाधाओं से दूर रहता है। तो इंद्रिय घादात मनो अनवस्थानाच, और ये भी सामान्य हमारे अनुभव में रहता है, मनो अनवस्थाना मन नहीं रुका। कोई भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए मन को उस वस्तु में लगाना पड़ता है, मन का लगाव चाहिए तब होगा। तो मन अनवस्थित रहा तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। तो वस्तु सामने है किंतु और कुछ चिंतन कर रहा है, मन अन्यत्र व्याप्रद है, मन चंचल है, तो उस स्थिति में उसको प्राप्त नहीं होता। अनवस्थान का अर्थ स्थिति से नहीं रहना। और सौक्ष्म्यात सूक्ष्म भाव में जो है उसको भी आप नहीं देख पाता। ये सूक्ष्मता दो प्रकार की होती है, एक जैसे मृतिका आदि है उसका धूल है जो आपको बाहर दिखाई पड़ता है, जब धूप निकलती है तो धूल दिखाई पड़ते, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। ये त्रसरेणु होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण को कहते हैं त्रसरेणु। तो वो स्पष्ट प्रकाश होने पर कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ धूल ऐसे हैं स्पष्ट प्रकाश में भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो वैसे कांच आदि में देखने से बहुत बारीकी से उसमें बैठा हुआ दिखा, ये सूक्ष्म होता है। एक सूक्ष्म तो ये है, किंतु और एक सूक्ष्म है जो वस्तु के कारण रूप में होते, जैसे परमाणु है, परमाणु भी सूक्ष्म है, वो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है, अत्यंत सूक्ष्म है। जैसे देही आदि में जो कीड़े होते हैं, कीटाणु होते हैं, उसमें जो बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैक्टीरिया होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो आप विशेष यंत्र से देखने पर दिखाई पड़ता है। तो ऐसे सूक्ष्म होते हैं जो अन्य रूप में दिखाई पड़ते हैं, किंतु वो होते हैं अन्य रूप में, और कारण सबका कारण सूक्ष्म होता है, तो उसको भी जानना है। तो इसीलिए सूक्ष्म सौक्ष्म्या सूक्ष्मता के कारण वो दिखाई नहीं पड़ते। ये सूक्ष्मता के कारण ही पुरुष और प्रकृति आदि का ज्ञान नहीं होगे, अब वो आगे बताते हैं, आगे वकारिका में आएगा। और व्यवधानात व्यवधान से, व्यवधान मतलब कोई बीच में आ गया, अभी जैसा हम इधर बैठे हैं तो पीछे का दिखाई नहीं पड़ता है, ये दीवार व्यवधान में है तो यहां से वहां दिखाई नहीं पड़ता है, किंतु योगी होगा तो उनको वो दिखाई पड़ेगा, आर पार दिखाई पड़ेगा, जैसा ग्लास जैसा दिखाई पड़ेगा। इसलिए उन्होंने बोलता विप्रकृष्ट ज्ञानम व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, हाँ उनको दिखाई पड़ता है। तो व्यवधान से भी सूक्ष्म वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होती है। और अभिभवात, अभिभव को बोलते हैं दबा देना, एक को दूसरे ने दबा दिया तो वो दिखाई नहीं पड़ता, दोनों समान रूप के हैं। जैसे दिन में चंद्र तारक आदि दिखाई नहीं पड़ते,
यद्यपि चंद्र और तारे अपने प्रकाश रूप में दिन में भी स्थित है, किंतु सूर्य के प्रचुर प्रकाश होने के कारण उस प्रकृष्ट प्रकाश में जो चंद्र और तारे के प्रकाश दब जाता है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ते। तो इसलिए चंद्र तारे दिन में नहीं है ऐसा हमको प्रतीत होता है, किंतु दिन में भी होते हैं। तो ऐसा अभिभवा, एक को दूसरे ने दबा दिया तो वो दिखाई नहीं पड़ता है, समान गुण वाले में होता है। इसी प्रकार समान अभिहारात, समान अभिहार का मतलब समान वस्तुओं में मिल जाने पर वो दिखाई नहीं पड़ता है। समान आकार के वस्तु है उसमें मिला दिया, जैसे ये दाल, मूंग की दाल आदि होते हैं या चावल होते हैं, ऐसे जो दाने होते हैं वो समान रूप से रहता है। वो समान रूप से दाने रहने से आप उसमें से कुछ दाने निकाल करके अलग करके बाद में उसमें मिला दिया तो बाद में वो कौन से दाने आपने मिलाया ये पहचान में नहीं आते। इसी प्रकार जैसे वर्षा का जल है, वो वर्षा का जल कुआं के जल में मिल जाने से फिर समान अभिहार से दिखाई नहीं पड़ता है, और जो समुद्र में जल मिल जाने पर अलग नहीं कर सकता है। ये सब समान अभिहार से होता है, होते वही है, वो कहीं गए नहीं है, किंतु हमको समान रूप होने के कारण दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसा भी हमारे अनुभव में होता है। तो इतने सारे कारणों से विद्यमान वस्तु विषय भी प्रत्यक्ष गोचर नहीं होता। ऐसे स्थिति में हम विषय को प्रत्यक्ष करना ही चाहें ये संभव नहीं होता, सर्वदा ये संभव नहीं है। विषय को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष ज्ञान की जरूरत है, इन सब दोषों से वो मुक्त रहे तब वो प्रत्यक्ष हो पाए। अब इसी प्रसंग में इसके लिए कहा गया था कि प्रधान आदि जो तत्व है जिनके बारे में अभी सांख्य विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष गोचर क्यों नहीं होता, इसके लिए ये भूमिका के रूप में कारण बताए। इन सब कारणों से प्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो उसको नहीं है ऐसा मत कहो। क्योंकि अगला जो कारिका है इसमें सत्कार्यवाद के बारे में कहेंगे, आप सुना होगा सत्कार्यवाद। तो ये सत्कार्यवाद ऐसा एक मूलभूत सिद्धांत है जो षट दार्शनिकों में वेदांत और सांख्य और योग तीनों सत्कार्य को मानते हैं। इसका मतलब सत्कार्य का मतलब सत्कारण भी है सत्कार्य भी है, हमेशा सब कुछ होता ही है, कोई वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। वो अदर्शनम गतः नष्टः इत्युच्यते, गीता भाष्य में शंकराचार्य जी ने भी कहा। तो अदर्शन को प्राप्त हुआ उसको नष्ट मानते हैं, ना सदो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सदः, ये श्लोक में इसकी व्याख्या की है सत्कार्यवाद की, और बहुत जगह है इसकी व्याख्या। और इसी प्रकार असत एव इदम अग्र आसीत, ये बृहदारण्यक मंत्र में भी भाष्यकार इसकी व्याख्या करते हैं, और बृहदारण्यक का जो घड़ भाष्य है द्वितीय ब्राह्मण में उसमें भी इसकी व्याख्या विस्तार से करते हैं, घड़ भाष्य इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। और छांदोग्य उपनिषद में सद्विद्या है, यहाँ भी सत्कार्यवाद की व्याख्या है, और ब्रह्मसूत्र में कई जगह है सत्कार्यवाद की व्याख्या। इसका मतलब हमारे सिद्धांत के अनुसार जो दिखाई नहीं पड़ता है उसको नहीं है ऐसा बोलते हैं, दिखाई नहीं पड़ना मात्र ही नहीं होना है, वास्तव में कोई वस्तु नहीं होती है ऐसी बात नहीं है, सारे होती ही है। कोई जन्म लेता है एक रूप में, कुछ साल तक वैसा रहता है, फिर रूपांतरण से वो बदल जाता है, रूपांतरण हो जाने को आप मरना मानते हैं। इसीलिए सत ही हमेशा रहता है, सत ही रहने का मतलब है ही रहता है, वो नष्ट नहीं होता, अभाव कभी नहीं होता, ये सत्कार्यवाद का मूल सिद्धांत है। इसीलिए प्रकृति आदि को कहने पर प्रकृति आदि का अनुभव आपको नहीं होता है, इसलिए आप कहेंगे वो नहीं है, प्रकृति करके कोई चीज नहीं है उसका अनुभव नहीं होता है, पुरुष करके कोई तत्व नहीं है जिसका अनुभव नहीं होता है, ऐसा आप उसका निराकरण करेंगे,
तो इसके लिए कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, अभाव को हम मानते नहीं है। परिणामवादी है, परिणाम होते ही रहता है, ये सृष्टि में स्थिति में संहार में सब कुछ परिणाम मात्र है, कोई नाश नहीं होता। ये सिद्धांत आपको वेदांत में बहुत प्रयोग में आता है। वास्तव में कहे तो वेदांत इसी पर ही टिका हुआ है। वेदांत का जो सच्चिदानंद ब्रह्म है उसमें जो सत का लक्षण है, शुद्ध अस्तित्व, वो इसी सदात्मा पर है, सत के कारण है। इसलिए कार्य रूप से उत्पन्न होने पर कार्य के नाम रूप प्राप्त करता है, तो वो सत रूप में सत ही रहने के कारण नाम रूप भी सत हो जाता है, किंतु नाम रूप की सत्ता केवल तात्कालिक होने से उसकी सत्ता वास्तविक सत्ता नहीं है, व्यावहारिक सत्ता मात्र है, पारमार्थिक सत्ता नहीं है, इसलिए नाम रूप को मिथ्या कर देते। जैसे मृत्तिका रूप में ही रहता हुआ घड़ अपना नाम घड़त्व घड़ रूपेण नाम धारण करता है, और घड़ पानी लाना आदि व्यवहार भी उसमें होता है, किंतु वो वास्तविक रूप में उसकी सत्ता मृत्तिका से ही है। इस प्रकार से मृत्तिका सत्तात्वेन सत्तावान होने से घड़ को अलग सत्तावान नहीं मानते, ऐसा ही मृत्तिका की सत्ता भी परम कारण में मिल जाता है। तो इसीलिए यहाँ आगे ये आठवां कार्य का कह रही है कि एक कारण क्या है कि सत्ता को कैसे मालूम करें। सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धेर नाभावात् कार्यतस्तदुपलब्धेर सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धेर नाभावात् कार्यतस्तदुपलब्धेर महदादितच्च कार्यम् प्रकृति विरूपं स्वरूपं च तद अनुपलब्धि। इसका अन्वय ऐसा करना, सौम्यात तद अनुपलब्धि न अभावात कार्यतः तदुपलब्धेः तच्च कार्यम महदादि प्रकृति विरूपम स्वरूपम च। यह अन्वय होगा। सौक्ष्म्याद तद अनुपलब्धि, सूक्ष्म होने के कारण ही वो प्रधान आदि की उपलब्धि नहीं होती है। उपलब्धि माने प्रत्यक्ष प्राप्ति, ऐसे समझना। संपूर्ण रूप से उपलब्धि पूरे ही नहीं होता, ऐसा नहीं है। विशेष स्थिति में उसको प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, वो आगे बताएंगे। इसीलिए अनुपलब्धि उपलब्धि शब्द से यहां प्रत्यक्ष गोचरत्व तो नहीं होना, इतना ही समझना कि तद अनुपलब्धि सौक्ष्म्यात। जो आठ कारण पहले बताए हैं उनमें से एक कारण है सूक्ष्मता, तो सूक्ष्मता के कारण वो प्राप्त नहीं होता है। अभी ये सूक्ष्मता अपने अपने स्तर पर अलग अलग रहती है, जैसे आपने दो प्रकार की सूक्ष्मता बताई वैसे ही अलग अलग स्तर पर रहती है। अब ये इसको, इस सूक्ष्म को जानने के लिए अभी तक हमारे पास कोई यंत्र नहीं है, बाह्य कोई यंत्र नहीं है, किंतु भगवान का दिया हुआ एक यंत्र है, वो क्या है, मन बुद्धि है। हम मन बुद्धि के द्वारा ही उसको जान सकते हैं, ऐसी वस्तु सूक्ष्म होती है। जो यंत्र के द्वारा जाना जाता है वो सूक्ष्म नहीं है। इसलिए ये जो परमाणु आदि है ना, परमाणु आदि जिसको हम यंत्र के द्वारा जानते हैं देखते हैं, जिसका आकार दिखाई पड़ता है बनाया गया है, वो इनके सिद्धांत के अनुसार परमाणु नहीं है। इनके सिद्धांत के अनुसार परमाणु तो मन के द्वारा ही जाने जाता है,
मतलब मन के द्वारा उसके बारे में चिंतन ही कर सकता है, आप आंख से नहीं देख सकता। जो आंख से दिखाई पड़ेगी वो स्थूल है। ये प्रत्यक्ष गोचर जो होगा किसी भी